हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है। अभी हम लोग इलिमिनेशन का ऑलरेडी दो वीडियोस हम लोग देख चुके हैं। कुछ थ्योरी देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल भी देखे थे और भी बहुत सारे ऑन द बेसिस ऑफ दी कुछ मैंने पिछले वीडियोस में कैंडल पावर वगैरह के थ्योरी क्वेश्चन बताया था, फार्मूला बताया था। उसको एक बार थोड़ा सा मैं एक बार फार्मूला को एक बार फिर से दिखा दूँगा आपको, और उसके बाद हम लोग अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला टोटल फ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल फ्लक्स था या लुमेंस, बात करें 4π × कैंडल पावर, यह हमारा फॉर्मूला है। दूसरा है इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू कैंडल पावर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जो रेडिएशन जो हमारा एमिट होता है कहीं भी उस प्रोपोर्शनल टी टू द पावर टेम्परेचर टू द पावर 4 का पावर होता है। अगर एंगल दिया हुआ है इल्यूमिनेशन कंडीशन में तो कैंडल पावर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू कॉस 5 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। टोटल ल्यूमेंस जो एक वर्किंग प्लेन में जो टोटल ल्यूमेंस हमारा रिसीव किया जाता है डिवाइडेड बाय टोटल ल्यूमेंस जो सोर्स के द्वारा एमिट किया जाता है। ठीक है, वर्किंग ऑन द वर्किंग प्लेन जो लिमिट्स मतलब कि डिपेंडिंग ऑन द डस्ट, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट कंडीशन के हिसाब से। ओके, अब मेंटेनेंस फैक्टर में क्या होता है, जो कि जो नॉर्मल वर्किंग प्लेन में जो हम लोग नॉर्मल जो रनिंग कंडीशन में जो काम हो रहा है जो उस टाइम इल्यूमिनेशन का जो ल्यूमेंस होता है डिवाइडेड बाई इल्यूमिनेशन, ल्यूमेंस ये मतलब जो लक्स लेवल जो है नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में डिवाइडेड बाई जो इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन, मतलब क्लीन एनवायरनमेंट है, मतलब बिल्कुल ही साफ वातावरण में जो लाइट आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं जो इस पे पूरा वेस्ट रहेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ 60 कैंडल पावर। तो देखिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, तो टोटल फ्लक्स का हमारा ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है 4π टोटल कैंडल पावर विच इज इक्वल टू कैंडल पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 4π से मल्टीप्लाई कर दिए, सीधा हमारा आंसर आएगा 752.2। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ ए फ्लोरेसेंट लैम्प। ठीक है, तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी से हम लोग क्या समझते हैं, पहले बात ये होगा कि हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा कि ल्यूमिनस एफिशिएंसी होता क्या है। तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी को हम लोग डिनोट करते हैं ल्यूमन्स पर वॉट। इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, इट इज़ डिफाइंड एज द आउटपुट इन ल्यूमन्स पर वॉट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द सोर्स ऑफ द लाउट सोर्स ऑफ द लाइट। मीन्स क्या मतलब जो टोटल आउटपुट होता है इन ल्यूमेंस पर द वाटेज ऑफ द पावर कंज्यूम्ड, मतलब जो भी आउटपुट हमारा जो निकल रहा है लैम्प के द्वारा या कोई भी हमारा ल्यूमिनस बॉडी के द्वारा टोटल अमाउंट जो ल्यूमेंस निकल रहा है पर वाट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द सोर्स ऑफ द लाइट। मीन्स अगर कोई बल्ब है उसके द्वारा जो आउटपुट निकल रहा है आउटपुट ल्यूमेंस निकल रहा है पर वाट, पर जो वो पर वाट जो वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसके हिसाब से वो जो ल्यूमेंस निकल रहा है उसको हम लोग ल्यूमिनस एफिशिएंसी बोलते हैं। तो हमारे हर बल्ब में ल्यूमिनस एफिशिएंसी रहता है, जितना पावर कंज्यूम करके वो कितना ल्यूमेंस एमिट कर रहा है लाइट अपने से। ठीक है, तो कभी भी बहुत इस तरह क्वेश्चन आता है ल्यूमिनस एफिशिएंसी बताने के लिए, फ्लोरेसेंस लैम्प का ल्यूमिनस एफिशिएंसी कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसका 40 ल्यूमेंस पर वाट होता है। ये सब डाटाज आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है तो आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट करने बहुत टाइम टेकेंगे, इसलिए 40 ल्यूमेंस पर वाट होता है हमारा फ्लोरेसेंस लैम्प का। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जैसे मैंने थ्योरी डिस्कस किया था आपको, दो लॉ बताया था लैम्बर्ट कोसाइन लॉ एंड लॉ ऑफ स्क्वायर इनवर्स लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इल्यूमिनेशन ऑफ द सरफेस डायरेक्ट सरफेस वेरीज डायरेक्टली विद द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू सरफेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंक्लाइंड लेंथ लाइट। तो हम लोग वैसे बताया था कि इल्यूमिनेशन जो होता है इल्यूमिनेशन एट अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल ऑफ इनवर्स, ये आपका क्या होगा प्रोपोर्शनल ऑफ कॉस फाई से, और क्या होता है पहला इनवर्स स्क्वायर में क्या होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द सरफेस ऑफ द ल्यूमिनस बॉडी एंड द सरफेस। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा इसका बी। तो और भी हम लोग इसमें जो मैं लिखा उसको फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट कोसाइन लॉ द इल्यूमिनेशन ऑफ द सर्फेस वेयर इज डायरेक्टली टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ टू द सर्फेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मीन्स नॉर्मल टू द सर्फेस, जैसे ये हमारा सोर्स है, ये लाइट है, हमारा ल्यूमिनस बॉडी है, ये हमारा लाइट यहाँ एमिट कर रहा है, तो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सर्फेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मीन्स ये नॉर्मल या पर्टिकुलर इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्ट ये जो एंगल बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वही कॉस फाई हो गया। नेक्स्ट हम लोग आएंगे रेडिएशन के बारे में, मैंने बताया था कि रेडिएशन जो होता है, इसमें थोड़ा पेंटिंग मिस्टेक हो गया, इसमें होगा ये टी टू द पावर 4 है। ओके, तो रेडिएशन फ्रॉम ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये फॉर्मूला है टी टू द पावर 4। ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है टी टू द पावर 4 आप लोग सीधा मार दीजिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ऐसा क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि डैश फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन टू द इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। ओके, तो ये जो हम लोग रिलेट करते हैं
ये हमारा जो रिलेशन होता है ये हमारे हमेशा डिप्रिसिएशन फैक्टर से ही हम लोग डिनोट करते हैं कि जो भी हमारा वर्किंग कंडीशन, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन जो होता है डिवाइडेड बाई टोटल टोटल जो क्लीन इन्वायरमेंट होता है उससे, तो इसका आंसर होगा डिप्रिसिएशन ही हमारा इसका आंसर होगा। डिप्रिसिएशन फैक्टर जो होता है हमारे लाइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका आंसर, इसका हम लोग डिप्रिसिएशन फैक्टर को एक्चुअली मैंने जो फॉर्मूला में लिखा था उसको हम लोग डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जो भी हमारा आता है डिवाइडेड बाई जो हमारा जब हमारा जो सामने का जो इन्वायरमेंट है वो पूरा क्लीन रहता है, क्लीन इन्वायरमेंट डिवाइडेड बाई क्लीन, तो यही डिप्रिसिएशन फैक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ए 200 कैंडल पावर लैम्प इज़ हंग 44 मीटर अबव द कैंडल ऑफ सर्कुलर एरिया 5 मीटर डायमीटर। सर्कुलर एरिया ऑफ 5 मीटर डायमीटर, द इल्यूमिनेशन एट द सेंटर ऑफ द एरिया। तो इसमें सिंपल हमारा फार्मूला हमने जो पहले से बताया था कि जो इल्यूमिनेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है, इल्यूमिनेशन जैसे यहाँ पे ई सी नोट किया है, क्या इससे इसको आप ई सी नोट करते, इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू कैंडल पावर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, ये 4 की स्क्वायर, ये 4 का यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर है यहाँ पे देख लीजिएगा। तो कैंडल पावर दिया हुआ है 200 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, तो 12.5 हमारा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्यूमिनेशन एट ए पॉइंट 5 मीटर बिलो ए लैम्प इन इन 6 लक्स द कैंडल पावर ऑफ द लैम्प इज़। तो इल्यूमिनेशन का फिर से वही सेम फार्मूला, यहाँ पे इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू कैंडल पावर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कैंडल पावर, इसमें कैंडल पावर निकलना है तो इसको इधर भेज देंगे तो निकल जाएगा आराम से। इसमें इल्यूमिनेशन दिया हुआ है 6 लक्स दिया, इल्यूमिनेशन का यूनिट होती है लक्स होती है, ओके, और कैंडल पावर का यूनिट, कैंडल पावर हमको निकालना है डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, तो बस निकल जाएगा सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ्रॉम ए यूनिफॉर्म लाइट सोर्स ऑफ 300 कैंडल पावर, हम लोग ये जो CP होता है उसको डिनोट बोलते हैं, कैंडल पावर बोलते हैं। फ्रॉम एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए एक यूनिफॉर्म सोर्स, या मान लीजिए बल्ब, कुछ भी, मतलब एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ लाइट है, ओके, या बल्ब मान लीजिए, ठीक है, जो एमिट करता है लाइट को, सोर्स ऑफ उसका कैंडल पावर दिया हुआ है, कैंडल पावर दे दिया, दे रजिस्ट अ प्लेन सर्फेस ऑफ 15 मीटर बिलो द वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेशन, 50 मीटर से नीचे, 15 मीटर नीचे, बिलो द वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन द सर प्लेन सर्फेस व्हेन द ल्यूमिनस फ्लक्स रेज आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, मतलब ये जो इंक्लाइंड है मान लीजिए 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, एट एन एंगल ऑफ टू द सर्फेस इज, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, ल्यूमिनस फ्लक्स पूछा है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस हम लोग क्या, व्हेन द ल्यूमिनस फ्लक्स रेज आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री देयर एग्जिस्ट ए प्लेन सर्फेस। ल्यूमिनस का, ल्यूमिनस क्या, किसकी यूनिट होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है, ठीक है। लुमेंस किसकी यूनिट होती है, लुमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है। आइए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लुमिनस फ्लक्स हो गया और बात करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग को लुमिनस फ्लक्स निकालना है, तो लुमिनस फ्लक्स निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला सिंपली है, इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू कैंडल पावर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये हमारा एक फार्मूला पहले से ही बना हुआ था, तो डिस्टेंस दिया हुआ है निकाल दिए, कैंडल पावर भी दिया हुआ है, और इंटू कॉस थीटा हम लोग कर देंगे, थीटा की वैल्यू दी है जो किसी किससे इंक्लाइंड एंगल पे दिया हुआ है, तो इंक्लाइंड एंगल दिया हुआ है इसमें 30 डिग्री इंक्लाइंड एंगल है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंपली इल्यूमिनेशन का फार्मूला हमारे पास हो गया कैंडल पावर बाई डी का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये पूरा हम लोग पूरा थ्योरी दिया हुआ है उसके हिसाब से देख के थीटा दे दिया, तो इसमें हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं, लिमिट में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, ये हमारा ये सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे। क्वेश्चन ये है, टोटल फ्लक्स और ल्यूमेंस रिक्वायर्ड एंड एट एनी लाइटिंग स्कीम डिपेंड्स इन्वर्सली ऑन। सिंपली ये इन्वर्सली डिपेंड करता है यूटिलाइजेशन फैक्टर का, जो हम लोग फार्मूला बताए थे, यूटिलाइजेशन फार्मूला फैक्टर का एक फार्मूला एक बार और आप देख सकते हैं, ये लिखा है, ये आपको ये स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल ल्यूमेंस जो हमारे सर्फेस में रीच कर रहा है आफ्टर कंप्लीट जो भी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन करने के बाद, डिवाइडेड बाई टोटल ल्यूमेंस गिवन आउट बाय द लैम्प। तो किससे, मतलब जो हमारे क्वेश्चन पूछा है, टोटल फ्लक्स और ल्यूमेंस रिक्वायर्ड इन एनी, मतलब टोटल ये हो गया, टोटल ल्यूमेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू, मीन्स टोटल ल्यूमेंस गिवन आउट बाय द लैम्प इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1 बाई यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो
तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन होगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी मैंशनड इन द स्पेसिफाइंग मेन स्विचेस। हमारा जो मेन स्विचेस होता है या कॉर्ड रहता है उसमें वोल्टेज ग्रेड और करंट रेटिंग दोनों दिया रहता है। कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमारा जो स्विच फ्यूज़ होता है, हमारा जो केबल कॉर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं मेन स्विचेस के लिए, उसमें हमारा कौन कौन सी रेटिंग स्पेसिफाई रहती है, तो वो इसमें होगा वोल्टेज ग्रेडिंग और करंट रेटिंग दोनों। ओके फ्रेंड्स, आज हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ इल्यूमिनेशन का, और ये मुझे लगता है ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैं इल्यूमिनेशन का करवा दिया। और भी कुछ अगर क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं तो मैं आप रेगुलर करवाते रहूँगा। और अभी अपने इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, और हमारे पास बहुत सारे वीडियोज़ हमने अपलोड ऑलरेडी कर चुका है। ट्रांसफार्मर के वीडियोज़ हमने अपलोड कर चुका है, प्लस आपके मैग्नेटिक मटेरियल भी अपलोड कर चुका है, और इल्यूमिनेशन के भी दो वीडियोज़ ऑलरेडी पहले से अपलोडेड हैं। तो कृपया करके उन्हें पूरा अच्छे से आपसे रिक्वेस्ट है कि देख लें और इसको रिवाइज़ करते रहें रेगुलरली। थैंक यू फ्रेंड्स।